बारामूला में आतंकियों ने दुकान को बनाया निशाना, ग्रेनेड हमले में एक की मौत और तीन लोग घायल। बारामूला ग्रेनेड हमले में राजौरी में मृतक के परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र का दावा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी मौजूद है कोरोना वैक्सीन की 17 करोड़ से अधिक डोज। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1829 नए मामले, 16,000 से कम हुए एक्टिव केस। राजीव गांधी हत्याकांड में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने एजी बरारीवलन को रिहा करने का दिया आदेश। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 4,710 पदों के लिए शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। मोहाली में किसानों ने की बैठक, कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं लौटेंगे। धर्मनगरी से 3 किलोमीटर दूर कड़माल में शुक्रवार को बस धमाके की घटना के बाद वैष्णो देवी के भक्तों की संख्या में आई गिरावट।